गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उपेरा इंटरनेशनल स्कूल में आपनो स्वागत है। हूँ चिराग सोलंकी। आज आप धोरण 8 विषय गुजराती, आज आप टॉपिक पाठ 15 अखंड भारतना शिल्पी। मित्रों, आप आगना वीडियो में जो माहिती मेळवी त्यार पछी जो माहिती है ते आप आ वीडियो में मेळवीशुं। तो दांडीकूट दरमियान लोखंडी मनोबलवाला सरदारना उद्गारा जोईए, उद्गार एटले शब्द जोईए तो हवे एक धर्मयुद्ध खेलवानुं छे, एटले धर्म माटे धर्मयुद्ध थवानुं छे, जे दुनियाए पहेला क्यारे नहीं जोयुं होय। बधा गुजरातीओने टकोरा मारीने कही दो के मृत्युनो भय हो तो जात्राए जता रहे, जेने मृत्युनो भय छे ए आनी अंदर जोड़ाय नहीं, जात्राए जता रहे, फरवा माटे जता रहे, पैसा होय ते पालवे तो देश पलायन थाय। बराबर शुं कहे छे? पैसा होय जे पाड़े तो શું થાય? દેશ પલાયન થાય, જતા રહેવું પડે, શરમાવું પડે તેવું કોઈ કામ સાચો ગુજરાતી નહીં કરે, શરમાવું પડે તેવું કોઈ કામ સાચો ગુજરાતી નહીં કરે। પહેલા શું કીધું કે જેને મૃત્યુનો ભય ક્યાં જાય? જાત્રાએ જાય, પૈસા હોય તે પાલવે તો દેશ પલાયન થાય। બરાબર, જેની પાસે પૈસા હોય એ શું થઈ જાય? દેશની બહાર જતા રહે। गुजराती प्रजा स्वतंत्र इतिहास में पहलू पानू लखी महायुद्धों मंडाण करते, एट शुरुआत करते, प्रभु सौनु कल्याण करे, ईश्वर सौ ने सहाय करे। सरदार एट अपना देश की त्रिमूर्ति, गांधी, सरदार और जवाहरलाल नेहरू पैकीनी एक मूर्ति। ए युग त्रे प्रखर देशभक्तों, गांधीजीए सत्य ने जारा दू, सरदारे प्रावित्य एट पवित्र, नेहरूए सौंदर्य महिमागान करू। सरदार जी गुरु गांधी जी था। सरदार में नैतिकता, दृढ़ मनोबल और व्यवहारपणा अनेक उदाहरणों इतिहास सोनेरी पाने लखाई पड़िया है। अपने खबर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेले कया कया कार्यों कर्या हता। एक महान देशभक्त तरीके, भारतना गृहप्रधान तरीके सरदार की भूमिका ने तो इतिहास क्यारे भूली सकते नहीं। भारत में अनेक नाना मोटा देशी रजवाड़ाओ हता। आ रजवाड़ा घणा राजाए पोताना रीते स्वतंत्र रहेवाना मनसूबा करता था। जयरे आप देश आजाद थी गयो त्यारे आज लोग था, बराबर, ए शू करता था? भारत में जोड़ा बदले अलग अलग रीते स्वतंत्र रहेवा मांगता था। राज्यों विलीनीकरण, विलीनीकरण एटले विलीन करो अथवा समावी देव, कपरी अने महत्वनी जवाबदारी। शू? कपरी। विलीनीकरण एटले कपरी, के विलीनीकरण कपरी, बराबर, के समावी देव। आज जवाबदारी थी के कपरी एटले के मुश्किल थी, सरदार सीए आई थी। आ कार्य खूब मुश्किल थू, छता कूनेपूर्वक, कूनेपूर्व एट बुद्धि उपयोग कर पार पड़ू। ज्या समझावट थी काम चलू त्याम कर, ज्या कड़क हाथे काम ले बनू त्या कड़क दाखा, बराबर, जे रीतना जे कोईपण वस्तु करव पड़े तो बढ़ा राज्यों ने क्या सामी लीधा? भारत की अंदर के लगभग 562 देशी रजवाड़ाओ था, एमने भेगा करवानो मुश्किल कार्य कोणे कर्यो हतो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एना सिवाय बीजो कोई करी सके एम हतो नहीं। भारतना तमाम राज्यना लोकशाही सरकारना माळखामां सामेल करी राजाशाहीने नाबूद करी हती। पहेलामां आपणे राजाशाही शासन, पण नाबूद करीने पछी शुं बनाव्युं? लोकशाही बनावी, एम अखंड भारतना शिल्पी, बराबर, एटले आखा भारत शिल्पी एटले बनावे, पेली मूर्ति बनावे ते तो भारत, आखा भारतनुं निर्माण कोणे कर्युं हतुं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विनोबा लखे जे सरदार स्पष्ट बोलता था, प्रहार करता के डरता नहीं, भले कोई ने गमे ते लागे, वड़ी वर्तो प्रहार जो पोताना उपर आवे तो तेनाथी जराय डगमगता न हता। गांधीजी अंगत सचिव महादेव भाई देसाई सरदार माटे लखे जे खेडूतोनी भाषा में बोलता सरदार नी आँखों में अंगारा जेवी चमक दिखाती, विरोधीओनो विनाश करी नाखे तेवो आंधीनू, आंधी एटले तूफान, बराबर, सर्जन तेमनी वाणी में हतुं। गांधीजीए सरदारना एक अत्यंत छुपा स्वरूप ने छटू करता जणाव्युं हतुं के सरदारनी सुरवीरता, ज्वलन, देशदाज अने अंडंत धैर्यना गुणोथी तो हूँ अजाण न हतो, पण तेमणे मने जे प्रेमथी तरबोळ कर्यो छे तेवा मातृप्रेम जेवा गुण माटे सदाय ऋणी छूं। मने तेमनी लागणीओमां माताનું स्मरण थई आवतुं, माता दर्शावी शके तेवा गुणोनुं मने सरदारे दर्शन कराव्युं। वल्लभभाई सादगी प्रिय हता, मोट शोक हता नहीं, एमने सादगी भर जीवन जीता, सादू जीवन और उच्च विचार एमनो जीवन मंत्र हतो। MCQ में मोस्ट IMP सादू जीवन और उच्च विचार, शू हतो तेमनो जीवन मंत्र? टूंका स्वर में पण पूछाई सके, जे पोतानी पुत्री मणिबहन ने पण ते वारसामां आप्यो हतो। उत्तर काल में दीकरी मणिबहने पिताની उलटथी सेवा करी हती, एमनी जे दीकरी हती तेमणे शू करी हती? वल्लभभाईनी सेवा करी हती। मणिबहन ने पण सादगी
એવી કે ઠીંગણું મારેલી સાડી પહેરવા માટે એવું નાનાપણ અનુભવતા નહોતા. એટલી બધું સાદગી ભર્યું કે ઠીંગણું મારેલી સાડી પહેરવામાં પણ તેમને શું નાનપ એટલે કે શરમ આવતી હતી નહીં. બરાબર. અખંડ ભારતના શિલ્પીનું તારીખ 15/12/1950 રોજ અવસાન થયું. ચરોતરના એક નાળિયા ગામમાં જન્મીને છેક દેશના નાયબ વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી તરીકે સેવાઓ આપનાર સરદારને લાખ લાખ વંદન. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે એણે આખે આપણા દેશ છે એ દેશને ભેગા કરવાનું કામ જે ખૂબ જ કપરું હતું, જે અશક્ય લાગતું હતું, એ અશક્ય કાર્યને શક્ય બનાવવામાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા છે. આપણે આ પાઠની અંદર જોયું એટલે જ પાઠનું નામ અખંડ ભારતના શિલ્પી. તો કોણ? તો કે ભાઈ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. તો મિત્રો, આજનો આપણો આ જે ટોપિક છે અહીં પૂરો થાય છે. નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. આભાર.